हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा फिफ्थ चैप्टर जो था कोल एंड पेट्रोलियम वाला वो ख़त्म हो गया है। तो अब आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर सिक्स पढ़ेंगे कम्बस्चन एंड फ्लेम। कम्बस्चन मतलब होता है दहन, जलना, फ्लेम होती है ज्वाला। ठीक है, फ्लेम का मतलब क्या होता है? ज्वाला, लाट, पंजाबी च लाट। कम्बस्चन का मतलब होता है जलना, दहन। ठीक है, तो इसमें होता है कि वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। घर में हम बहुत से ईंधन प्रयुक्त करते हैं जलाने के लिए, मतलब उनको उनसे खाना पकाने के लिए, दूसरे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री क्या होती है? कारखाने। कारखाने में नई नई चीज़ें बनती हैं, लोहे की चीज़ें बनती हैं, तो उनको वहाँ पर ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स होती हैं हमारी कारें, बसें, ट्रक, गाड़ियाँ, ये सारियाँ हम डीजल पेट्रोल से चलाते हैं, तो उसके लिए भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स, घरों में हम आजकल कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं? नेम ए फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार में और कारखानों में कौन से फ्यूल जलाए जाते हैं? व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स में कौन से यूज़ होते हैं? तो दिल्ली जैसे शहरों में हम लोग CNG यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और फ्यूल लाइक घरों में हम यूज़ करते थे भी पहले, अभी भी करते होंगे कुछ, वो है काउडंग। काउडंग, काउडंग का मतलब होता है गोबर की पाथियाँ। ठीक है, वुड, लकड़ी, कोल, चारकोल। चारकोल होता है लकड़ी का कोयला, जो लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में जलाने से बनता है, यानी कि जलाते नहीं हैं उसको, तो मतलब उसमें से धुआं निकलता है तो वो बनता है। पेट्रोल और डीजल, और इसमें कैरोसिन ऑयल भी है, ये सारे जो हैं आजकल हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं। यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ ए कैंडल, हम घरों में मोमबत्ती जलाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड ए बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? तो हमने ये देखना है यहाँ पर, क्योंकि इस लेसन का जो नाम है वो है कम्बस्चन एंड फ्लेम। तो जब डीजल जलता है, गाड़ी के अंदर जलता है, पेट्रोल भी गाड़ी के अंदर जलता है, लेकिन कोयला जो जलता है वो लाल हो जाता है, लेकिन उसमें से ज्वाला नहीं निकलती, लाट नहीं निकलती। तो इसमें बुक वाले ने आपसे पूछा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में क्या डिफरेंस है। तो कैंडल जब जलती है तो ऐसे लाट निकलती है, और जब कोयला जलता है तो वो लाल हो जाता है, लेकिन उसमें से लाट नहीं निकलती, उसमें से गर्मी निकलती है। मे बी यू आर एबल टू गैस राइट, कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम, जो कैंडल होती है वो एक फ्लेम से जलती है, उसमें लाट निकलती है, वेयर एज कोल डज नॉट। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मिनरल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो बिना फ्लेम के जलती हैं। अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम, लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हम जलने की जो क्रिया है, दहन की जो क्रिया है, उसको पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कैसे जलती है। ठीक है, उसकी क्या प्रोसेस है, फ्लेम कब निकलती है। तो व्हाट इज़ कम्बस्चन, दहन क्या है।